बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल बैंक एंड हिस्टोरिकल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी स्पेसिफिकली फोकस ऑन अ मॉडर्न सेंट्रल बैंक दैट इज़ फंक्शन ऑफ़ अ मॉडर्ल मॉडर्न सेंट्रल बैंक कि आज के दौर में सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं और अब हम फंक्शन को जस्ट ऐसे में एक लिस्ट नहीं बनाऊँगा और आपको एक स्लाइड में नहीं शेयर कर दूँगा बल्कि अब हम इन फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला फंक्शन जो किसी सेंट्रल बैंक का होता है वो है करेंसी रेगुलेटर या करेंसी इशूअर जिसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास मोनापली होती है यानी कि वो सोल इशूइंग अथॉरिटी होती है किसी मुल्क की करेंसी की कोई और अथॉरिटी मुल्क की करेंसी इशू नहीं कर सकती ये पावर सिर्फ कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होती है जैसे स्पेशली नोट क्योंकि हमने जब मनी के बारे में पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी मुल्क में ट्रेजरी की तरफ से भी इशू होते हैं लेकिन ज्यादातर भी और स्पेशली करेंसी नोट्स जो हैं उसकी इशूइंग अथॉरिटी सेंट्रल बैंक होता है इसी वजह से किसी सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं सेंट्रल बैंक को ही बैंक ऑफ इशू कहते हैं क्योंकि ये करेंसी इशू करता है अगर आप सारे बैंक्स को करेंसी इशू करना अलाउ कर दें तो फिर बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे मनी की कई फॉर्म्स आ जाएंगी कौन सी मनी सही है कौन सी मनी सही नहीं है तो ट्रांजेक्शन्स बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी यही रीजन है कि मनी के मॉनिटरी सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है जिसको ये पावर दी जाती है कि वो करेंसी इशू करे दूसरा फंक्शन वो क्या है वो है बैंक टू द गवर्नमेंट कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है तो वो गवर्नमेंट का बैंक है अब गवर्नमेंट के बैंक से क्या मुराद है गवर्नमेंट के बैंक से कई मुराद हो सकते हैं जैसे एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती हैं चाहे वो इनफ्लो होता है जो कैश फ्लोज भी हमने पढ़े थे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो वो सारी की सारी मैनेज हो रही होती हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का अपना डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के अंदर होता है दूसरी बात गवर्नमेंट बारो कर सकती है सेंट्रल बैंक से ऑल दो ये फंक्शन अब ओवर टाइम ख़त्म होता जा रहा है इवन पाकिस्तान के अंदर ये फंक्शन 2022 में जो सेंट्रल बैंक का स्टेट बैंक का एक्ट चेंज किया गया 1956 का 2022 में अमेंड किया गया उसके मुताबिक ये फंक्शन ख़त्म हो गया लेकिन स्टिल अभी भी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे लैंडिंग कर सकता है जैसे कोविड के दौरान कई ऐसी स्कीम्स अनाउंस की गई जिसमें सेंट्रल बैंक ने लैंडिंग की वो स्कीम्स फेडरल गवर्नमेंट की थी उसका एक प्रोसीजर होता है उसका एक जो रेट डिफरेंशियल का कवर है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी ये बैंक लैंड भी कर सकता है और इवन डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकता है बहरहाल ये गवर्नमेंट का बैंक है और इसमें गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट एंटिटीज का डिपॉजिट होता है इसी तरीके से इसमें एक स्पेशल रोल एडवाइजरी का भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है और ये ट्रेडिशनल कोई कमर्शियल बैंक की तरह ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ रुपए पैसे का लेन देन है बल्कि इसके अंदर एक पूरा स्टाफ होता है टीम होती है रिसर्चर्स होते हैं बड़े जो है वो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं तो इसलिए ये गवर्नमेंट को एडवाइजरी रोल भी गवर्नमेंट के लिए ये प्रोवाइड करता है और इस्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड बाकी डिफरेंट इकानमी के लिए के इशूज़ के लिए भी ये रोल होता है लेकिन स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड इससे आगे यह एक और फंक्शन जो आज के सेंट्रल बैंक का है वो है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व अब एक तो मैंने कहा अथॉरिटी वो अलग चीज थी अथॉरिटी का तो ये मतलब होता है है कि वो इशू करता करेंसी नोट लेकिन एक और है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व और रिजर्व का भी आप बड़ी डिटेल में टॉपिक पढ़ चुके हैं और वो क्या है कि जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं सेंट्रल बैंक के पास उन्हें हम रिजर्व्स कहते हैं तो वो रिजर्व जो है उनका कस्टोडियन सेंट्रल बैंक होता है ये सेंट्रल बैंक के एक फंक्शन में शामिल है अब सवाल यह है कि ये रिजर्व क्यों मेंटेन किए जाते हैं इसलिए के जो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के दरमियान ट्रांजेक्शन होती हैं या जो कमर्शियल बैंक्स की आपस में ट्रांजेक्शन होती हैं जैसे चेक क्लियर करना ये सारी ट्रांजेक्शन रिजर्व अकाउंट के थ्रू होती तो इसका मतलब यह है कि अगर रिजर्व अकाउंट ना हो तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स के दरमियान और कमर्शियल बैंक्स का आपस में ट्रांजेक्शन होना मुश्किल हो जाए और ये रिजर्व्स जो हैं ये सेंट्रल बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप डिपॉजिट का एक खास परसेंटेज जो है वो इधर रखें सेंट्रल बैंक के पास जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में वो परसेंटेज कितनी है लेकिन बहरहाल कोई ना कोई रिक्वायरमेंट जरूर होती है सेंट्रल बैंक की या ये कमर्शियल बैंक्स का अपना डिसीजन भी हो सकता है कि हम जो रिक्वायरमेंट है रिजर्व की उससे ओवर एंड अब हम कितने रिजर्व होल्ड करें ये सेंट्रल बैंक का जो है ये अपना डिसीजन है और ये डिसीजन इसलिए है कि जो एक्सेस रिजर्व होते हैं वो अनफोर्सीन सिचुएशन के अंदर इंश्योरेंस का रोल प्ले करते हैं फिर इसी में एक और फंक्शन आ जाता है कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी आप अक्सर मीडिया पे सुनते हैं कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने रह गए तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आप सुनते हैं उसके अंदर कुछ कमर्शियल बैंक के अंदर फॉरन करेंसी डिपॉजिट हैं और कुछ जो है वो सेंट्रल बैंक के पास करेंसी के डिपॉजिट होते हैं या फॉरन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं या फॉरन एक्सचेंज के डिपॉजिट होते हैं तो सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करते हैं किस लिए मेंटेन करते हैं टू मैनेज इमरजेंसी नीड्स ऑफ फॉरन रिजर्व अगर जो है वो कहीं बाहर आपने पेमेंट करनी है फॉरन करेंसी में और आपको एमरजेंसी की जरूरत पड़ गई है तो सेंट्रल बैंक के रिजर्व जो होते हैं वो वहां पर काम आ सकते हैं अगर वो रिजर्व ना मेनटेन किए हो तो आप इमरजेंसी पेमेंट्स नहीं कर सकते इसी तरीके से जब एक्सटर्नल अकाउंट पे डेफिसिट होता है तो डेफिसिट का एक इंपैक्ट जाता है किस चीज पे जो डेफिसिट हो गया ना डेफिसिट का मतलब है कि जितना फॉरेन एक्सचेंज आप बाहर से अर्न कर रहे हैं उतना फॉरेन एक्सचेंज आप बाहर जो है उससे ज्यादा कहीं बाहर फॉरनर्स को आपको देना पड़ रहा है यानी कि समझ लें इंपोर्ट्स आपकी ज्यादा हैं एक्सपोर्ट्स आपकी कम है आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कम है आपकी पेमेंट तो अगर ऐसा हो जाए जो चुके की जाती है तो अगर सेंट्रल बैंक उसको एक लेवल पे मेंटेन करना चाहे या एक हद से ज्यादा डिप्रिसिएट ना होने देना चाहे तो फिर उसके लिए जरूरी है कि सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में से कुछ फॉरन एक्सचेंज उस एक्सटर्नल अकाउंट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए मार्केट में इंजेक्ट करे उससे यह होगा कि चूंकि डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज की कमी की वजह से जो है वो हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही थी तो अगर सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में से मार्केट की वो कमी पूरी कर दे तो रुपए का वीक होना कम हो जाएगा या लोकल करेंसी का वीक होना कम हो जाएगा लेकिन याद रखें यह फंक्शन तभी प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सकता है जब सेंट्रल बैंक के पास इतने रिजर्व्स हों कि जो मार्केट में रिजर्व फॉरन एक्सचेंज की कमी है ये उसको पूरा कर सके एक और फंक्शन जो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हैं यानी कि अगर कोई कमर्शियल बैंक ट्रबल में है फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड है उसका कोई जो पेमेंट्स का है वो प्रॉब्लम बन गया जितनी पेमेंट्स हैं उसके पास भले इन लिक्विड एसिट्स जितने हों लिक्विड एसिट्स नहीं है पे पे करने के लिए तो ऐसी सूरत हाल में जो सेंट्रल बैंक होता है वो हर कमर्शियल बैंक के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है और वो जो जो लोन देता है उसको डिस्काउंट लोन कहते हैं ये लोन अमूमन को होता है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद भी कई लेक्चर्स में हम इस इशू को डिस्कस करेंगे कि ये डिस्काउंट लोन क्या होता है लेकिन बहरहाल इस डिस्काउंट लोन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक है उसको डूबने से बचाया जा सके उसको डिफॉल्ट पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करने से बचाया जा सके थैंक यू